कुछ दृश्य में निकले गदरा ने कहने लगे, महाराज तुम्हारा गांव कहाँ पर है? अब तो मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं, मुझसे आगे चलते नहीं बन रहा है, कैसे चलूंगी? महाराज बताइए कितनी दूर रह गया है। महाराज सब कहने लगे, परेशान होने की बात नहीं है, देखिए जब एक मकान वही दिखाई दिया तो सोचे लग तुमने वहां से बताई हुई हो, क्योंकि जानते हो अक्सर करके भैया लोग करते हैं। जब घरवाली को लेकर के चीनी मिल से निकलते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? ऐसा है हमारे जब बाबा रहे बीमा की गन्ना चीनी मिल भी है 10% बाबू क्या रहा है यह बताओ थे। और जब घर पहुंचे घर वाले ने कहा, ऐसा है आपकी करवावत है उनका 1500 की साड़ी ले देते हो तो भाई नहीं ना आई तो है नहीं नहीं क्यों माता बहन ऐसा होता क्या? हो लंबी चौड़ी हाँ की घरवाली 2000-1500 की साड़ी मांग ले पति के उपकार बता गलती करती है। तो आज पाराशर कहने लगे, ऐसा है देखिए वो तो हमारा मकान दिखाई दे रहा है क्योंकि माया ने भवन बना करके तैयार किया। चलो गजरानी कहने लगी, तो आप इतना क्यों घबरा रहे थे? बता रहे थे अभी चले आइए, चलिए तो तुम्हारा मकान तो पास ही भी दिखा रहा। अब हुआ दादा हो तो बता दे काम के बाप करी बबौती क्या बनवा बता रहा का पता की का हो। ये तो मालूम नहीं है बेटे को कि हमारे पिता भोले बाबा ने बनवाया है ना। चलो आज गजरानी और पाराशर दोनों लोग साथ में जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले। अब पाराशर आगे रुक गए, कहा ऐसा है देवी तुम अंदर जाओ। क्यों? और तुम? मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। क्यों? ये जो है घर बहुत दिन का बना हुआ यहीं पर पड़ा है, अब आप अंदर देखे हो इसके अंदर कोई बसेरा।
पागल क्या क्या मन पगी कर रहे थे। हेलो, ये बहन जी की तरफ से नहीं 11 रुपया हमें दूध पीने के लिए दे रही है। परमात्मा सदैव सुख शांति बनाए रखे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, सदैव हर घर और बढ़ते रहे, यही हमारी मनोकामना है। 7 रुपया बहन जी की तरफ से। सही भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी भक्त भंडारे में प्रसाद को लेकर के ही अपने अपने